हमेशा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम फाइल फोल्डर बनाएंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये हमने फाइल फोल्डर बनाया है। यहाँ पे आप अपने विजिटिंग कार्ड वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने स्पेस दिया है विजिटिंग कार्ड रखने के लिए। और ये देखिए, ये बैक साइड से ऐसा है और फ्रंट साइड से ऐसा है। इसको हम यहाँ से जिप से ओपन करेंगे। ये ऐसे करते हुए ओपन करेंगे इसको, और ये हमारा फाइल फोल्डर कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमने एक पॉकेट दी है, जिप से इसको ओपन करेंगे। अंदर की साइड में इसमें काफ़ी स्पेस है और बहुत ही नीटली स्टिच हुई है ये पॉकेट हमारी। और ऐसे ही ये हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी से एक पॉकेट दी है, ऐसे जिप से ओपन करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ आप अपने कुछ भी कोई भी एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रखते हुए जिप से लॉक कर दीजिए। देखिए, दो पॉकेट हमने यहाँ पे दी हैं। और यहाँ पे हम फाइल को सेट करेंगे। देखिए, ये हमारी फाइल है। फाइल को हम यहाँ पे ऐसे करते हुए, ये जो फ्लैप दिया है, फ्लैप में हम देखिए ऐसे फाइल को ऐसे डालेंगे, और इस साइड से हम इस फ्लैप में इसको डालेंगे फाइल को, और यहाँ पे फाइल हमारी यहाँ पे सेट हो जाएगी। ये फाइल हमारी यहाँ पे सेट हो गई है। अब आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं फाइल में। फाइल को ऐसे सेट करते हुए हम यहाँ पे इसको ऐसे करते हुए यहाँ से जिप से इसको लॉक कर देंगे। देखिए, ऐसे करते हुए हम लॉक कर देंगे। ये हमने लॉक कर दिया। तो ये फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत फोल्डर बना है और बहुत ही नीटली स्टिच हुआ है फोल्डर। आप अपने लिए बैग्स, कैरी बैग, हैंड बैग वगैरह सब स्टिच करती हैं, आज आप अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए ये फाइल फोल्डर स्टिच करिए और उनको गिफ्ट करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम ये फाइल फोल्डर स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। फाइल फोल्डर बनाने के लिए हमने 15.5x22 का ये कुंटेड पीस लिया है। ये 15.5x22 का कुंटेड पीस है, और ये 10.5x14.5 का कुंटेड पीस है। देखिए, 10.5x14.5 का ये कुंटेड पीस है। 11x15.5 का ये हमने प्लेन पीस लिया है। 11x15.5 का प्लेन पीस है। ये हमारा 11 है और ये हमारा 15.5 है, जिसमें हमने 11 इंच की जिप को यहाँ पे अटैच कर दिया है। 2 इंच यहाँ पे नीचे डाउन किया और कट करके यहाँ पे 11 इंच की जिप को यहाँ पे अटैच कर दिया है। ये हमारा 11x15.5 का ये प्लेन पीस है, और इसमें हमने जिप को अटैच कर दिया है। और ये 7x11 की हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी ली है। ये देखिए, 7x11 की ट्रांसपेरेंट पन्नी थी, जिसमें हमने 1.5 इंच पे कट किया, और दोनों साइड से देखिए ऊपर और नीचे पाइपिंग, हमने 1.5 इंच की पाइपिंग को अटैच कर दिया है। इसके बाद 11 इंच की जिप को यहाँ पे अटैच कर दिया। ट्रांसपेरेंट पन्नी में पहले हमें पाइपिंग को स्टिच करना है, इसके बाद जिप के ऊपर ऐसे रखते हुए हमने देखिए यहाँ पे जिप को यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो ये 7x11 की ट्रांसपेरेंट पन्नी है और 11 इंच की जिप को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। और ये 3x4.5 की ट्रांसपेरेंट पन्नी है। ये देखिए, 3x4.5 की ट्रांसपेरेंट पन्नी, और ये 6.5x15.5 का ये हमने दो प्लेन पीस लिया है। देखिए, 6.5x15.5 का ये दो प्लेन पीस लिया है हमने। 1.5 इंच की ये हमने पाइपिंग ली है, और ये 80 इंच की जिप ली है। 80 यानी 80 इंच की हमने ये जिप ली है, और एक रनर लिया है इसमें डालने के लिए। सबसे पहले हम 10.5x14.5 का ये कुल्टेड पीस लेंगे, और 7x11 की ये ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे, जिसमें हमने जिप को यहाँ पे 11 इंच की जिप को यहाँ पे अटैच किया है। ये हमारा 10.5 और ये हमारा 14.5 है, और ये 7x11 की ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे। और नीचे की साइड से देखिए, नीचे की साइड से इसको सेट करते हुए हम यहाँ पे इसको ऐसे करते हुए पहले पिन लगा लेंगे। ट्रांसपेरेंट पन्नी को हमने पिन से अटैच कर दिया है। तो देखिए, यहाँ से स्टिच करेंगे और चारों साइड से स्टिच करके इसको हम अटैच कर देंगे। देखिए, चारों साइड से हमने स्टिच करके ट्रांसपेरेंट पन्नी को इस कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, हम इसको कट करके निकाल देंगे।
पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हम 6.5 बाय 15.5 का ये प्लेन पीस लेंगे और इस पीस में देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर की साइड में थोड़ा सा फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। देखिए ऊपर की साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है, एक साइड से स्टिच करना है हमको। देखिए दोनों पीस में हमने ऊपर की साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। इस पीस को ऐसे यहाँ पर ऐसे रखते हुए, ये उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड है, इसको ऐसे रखेंगे और पहले पिन लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे सीधे स्टिच करते हुए इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने प्लेन पीस को यहाँ पे अटैच कर दिया है इस साइड। अब इसको हम पलट के उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, इस साइड ले आएंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से इसको पीछे की साइड में करते हुए सीधे स्टिच करके हम यहाँ पे दाब सिलाई दे देंगे। यहाँ पे हमने सीधे स्टिच करते हुए दाब सिलाई दे दी है। अब इस साइड हम इस साइड और इस साइड दोनों साइड से स्टिच करते हुए दोनों तरफ से हम इसको लॉक कर देंगे प्लेन पीस को। दोनों साइड से देखिए हमने सीधे स्टिच करके प्लेन पीस को यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को हमने दोनों साइड से कट करके निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देंगे। देखिए जिस साइड हमने यहाँ पे दाब सिलाई दी है इस साइड हमें हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप में कट करना है। ये देखिए दोनों साइड से हमने कॉर्नर पे हमने राउंड शेप दे दिया है। इस साइड हमको नहीं देना है राउंड शेप, सिर्फ एक साइड से, देखिए इस साइड और इस साइड दोनों साइड से इस साइड हमें राउंड शेप देना है। अब हम 1.5 इंच की ये पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को इस साइड से, देखिए एक साइड से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे देखिए इस साइड से और इस साइड से जो हमने कट दिया है यहाँ से इस साइड तक हमें पाइपिंग लगानी है और यहाँ से इस साइड तक हमें पाइपिंग से यहाँ पे अटैच करना है। देखिए ऐसे रखते हुए हम यहाँ पे पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे और यहाँ तक ही हमें स्टिच करना है पाइपिंग, यहाँ पे स्टिच नहीं करना है। तो देखिए ऐसे रखते हुए हम पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। एक साइड से हमने पाइपिंग को अटैच कर दिया है। अब पाइपिंग को हम ऊपर की साइड में लाएंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ पे देखिए ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे और स्टिच लाइन पे रखते हुए पाइपिंग को यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। स्टिच किया है पाइपिंग को और इस साइड हमने यहाँ से यहाँ तक स्टिच किया है। देखिए दोनों साइड से हमने पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। अब हम 3 बाय 4.5 की ये ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे और इसको 3 की साइड से हमें थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे सीधे स्टिच करके यहाँ से इसको यहाँ से लॉक कर देंगे इस पार्ट को। देखिए थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सीधे स्टिच कर लेंगे ट्रांसपेरेंट पन्नी में। ट्रांसपेरेंट पन्नी में हमने सीधे स्टिच कर लिया है। ये देखिए थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर से हमें यहाँ पे स्टिच करना है। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे 15.5 बाय 22 का ये पार्ट लेंगे और इस साइड हम यहाँ पे ऊपर से 2 इंच पे मार्क करेंगे, नीचे डाउन करेंगे ऊपर से। देखिए 2 इंच पे नीचे डाउन कर लेंगे ऊपर से, ये हमने डाउन कर लिया। इस साइड भी 2 इंच पे ऐसे हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से यहाँ से हमने डाउन किया और इस साइड से हमने 2 इंच पे मार्क कर लिया है। ट्रांसपेरेंट पन्नी में जो हमने सीधे स्टिच किया था इसको हमने सीधी साइड रखना है और ऐसे देखिए मार्क वाली लाइन पे ऐसे रखेंगे और यहाँ से देखिए 3 साइड से हमें फोल्ड करते हुए 3 साइड से ऐसे स्टिच करना है। देखिए पहले फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से फोल्ड करते हुए हम इसमें ऐसे प्रेस कर लेंगे। ऐसे प्रेस कर लेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा अच्छे से। देखिए 3 साइड से हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे हमारे विजिटिंग कार्ड वगैरह यहाँ पे हमें डालने के लिए इसको हमें रेडी करना है।
तो देखिए फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे स्टिच करके इसको अटैच कर देंगे। थ्री साइड से हमने फोल्ड करते हुए देखिए स्टिच कर लिया है। अब ये देखिए हमारी ट्रांसपेरेंट पन्नी यहाँ पे अटैच हो गई है। यहाँ पे हमें अपने कार्ड विजिटिंग कार्ड यहाँ पे ऐड करना है, तो इसलिए एक साइड से खुला रखना है और थ्री साइड से फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टिच करके इसको अटैच कर दिया ट्रांसपेरेंट पन्नी को। अब हम ये वाला पीस लेंगे जिसमें हमने जिप को अटैच किया था, ये 11 है और ये 15.5 इंच का है। जिधर हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी अटैच की है ये वाली विजिटिंग कार्ड वाली, इसी साइड पे हमें यहाँ पे इस पीस को अटैच करना है। तो इसको हम सेट करते हुए पहले पिन लगा लेंगे। ये देखिए प्लेन पीस को हमने पिन से अटैच कर दिया है। अब हम चारों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम स्टिच करेंगे और चारों साइड से स्टिच करके इसको अटैच कर देंगे। चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को हमने अटैच कर दिया है। अब हम इस साइड, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस साइड और इस साइड, दोनों एक्स्ट्रा पार्ट को हम दोनों साइड से कट कर लेंगे। दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। अब हम 6.5 by 15.5 का ये हम दूसरा प्लेन पीस लेंगे। ये हमारा उल्टा साइड है, देखिए हमने यहाँ पे सीधे स्टिच करके इसको हमने एक तरफ से लॉक किया है। ये देखिए एक तरफ से हमने सीधे स्टिच किया है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसको हम, ये देखिए ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है प्लेन पीस का। इसको हम इस साइड ऐसे रखते हुए यहाँ पे पहले पिन लगा लेंगे। ऐसे रखेंगे, पहले सेट करते हुए हम पहले पिन लगाएंगे, जैसे ये पार्ट हमारा खिसके ना। अब हम यहाँ से स्टिच करेंगे और थ्री साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। से स्टिच करके हमने प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे बराबर में फोल्ड करेंगे। इसे फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे कट लगा के सेंटर का मार्क कर लेंगे। देखिए इस साइड से और उस साइड से, दोनों साइड से कट लगा के सेंटर का मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से देखिए हमने कट लगा के यहाँ पे सेंटर का मार्क कर लिया है। अब हम 80 इंच की ये जिप लेंगे, ये देखिए 80 इंच की जिप है, इसको हम खोल के अलग कर लेंगे। इसको हम खोल लेंगे। जिप को अटैच करने से पहले हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। देखिए जो हमारा ये फोल्डर है, फोल्डर इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से हमें राउंड शेप देना है। देखिए ऐसे दोनों को बराबर में लेंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए दोनों साइड से कट करके हमने शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पे जिप को अटैच करेंगे। जो जिप हमने अभी अलग की है इसके एक पार्ट को लेंगे, जिप के एक पार्ट को हमें लेना है। ये हमारी सीधी साइड जिप है और ये उल्टी साइड जिप है, तो सीधी जिप को हमें यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे ऐसे छोड़ते हुए, देखिए यहाँ पे छोड़ते हुए जो सेंटर का कट लगाया है, सेंटर के कट से हमको चारों साइड से ऐसे करते हुए स्टिच करना है और यहाँ पे चारों साइड से स्टिच करके जिप को इसमें अटैच करना है। तो ऐसे रखते हुए, सेंटर पे रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। चारों साइड से स्टिच करते हुए, पूरा स्टिच करते हुए इस साइड लाना है। ये देखिए सेंटर के मार्क पे हमने यहाँ तक एंड किया है, पूरा हमने चारों साइड से राउंड में स्टिच कर लिया है और जिप को देखिए सिंगल जिप को हमने अटैच किया है। अब ये जो एक्स्ट्रा जिप है थोड़ी सी, इसको हम कट करके निकाल देंगे, कैसे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे रनर हम बार में डालेंगे, पहले हम यहाँ पे पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो ये हम 1.5 इंच की ये पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड करेंगे। देखिए फोल्ड किया पाइपिंग को और
सेंटर पे हमें फोल्ड करते हुए पाइपिंग को ऐसे रखना है और चारों साइड से स्टिच करते हुए पाइपिंग को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे जिप पे। करते हुए पाइपिंग को हमने अटैच कर दिया है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे जो जिप हमारी है यहाँ पे हम रनर को डालेंगे। ये देखिए जिप को दोनों को सीधी साइड पे ऐसे लाना है और ऐसे करते हुए हम रनर यहाँ पे डाल लेंगे। ये देखिए रनर को हमने डाल लिया है। अब ऐसे करते हुए हम यहाँ लॉ करके देखेंगे ये हमारी जिप एकदम परफेक्ट है कि नहीं। ये देखिए हमने एक ही जिप को यहाँ पे अटैच किया है, यहाँ पे एंड में हमारी जिप एकदम परफेक्ट यहाँ पे अटैच हुई है। अब जिप को हम ओपन करेंगे। अब हम इस साइड जिप को लाते हुए और रनर को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ऐसे करते हुए हम रनर बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए रनर हमने इस साइड से निकाल लिया है। अब हम इस साइड से ये वाला पार्ट लेंगे जिसमें हमने पॉकेट को अटैच किया था। ये देखिए फ्रेंड, ये जिप को हमने रनर बाहर निकाल लिया है और जिप को हमने अंदर की तरफ कर लिया है। अब हम इस वाले पार्ट को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, जिप के ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये हमारा सेंटर है। देखिए ये हमारा सेंटर है, एकदम सीधे इस पार्ट को रखना है कि ऐसे एकदम सीधे रखना है इस पार्ट को। और जिप के ऊपर हमें रखते हुए यहाँ पे पाइपिंग को, देखिए पाइपिंग लेंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और पाइपिंग को ऐसे रखते हुए सीधे स्टिच करके यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। पाइपिंग के साथ ही हम जिप को भी यहाँ से लॉक कर देंगे। ये देखिए हमने जिप को इस साइड अंदर करते हुए रनर हमने बाहर निकाल लिया है और पाइपिंग को फोल्ड करते हुए हमने इस पार्ट को भी यहाँ पे एक साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम जो हमने यहाँ पे फोल्ड करते हुए स्टिच किया है, यहाँ से हम थोड़ा सा पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे देखिए जो जिप है इसको हम अंदर ही ऐसे कवर कर देंगे। देखिए अंदर इसको हम ऐसे करते हुए इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे। देखिए ऐसे करते हुए यहाँ पे सीधे स्टिच करके जिप को अंदर ही हम लॉक कर देंगे। पाइपिंग को यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब हमारा ये फोल्डर बन के रेडी है। इसको हम यहाँ से देखिए जब जिप से लॉक करेंगे, ये जिप है और जिप से ऐसे हम लॉक कर देंगे तो एकदम देखिए एकदम परफेक्ट हमारी जिप यहाँ पे एंड में आएगी। ये देखिए एकदम परफेक्ट आएगी। इसको हम यहाँ से जिप से ओपन करेंगे, कैसे ओपन कर लेंगे और ये पूरा हमारा यहाँ पे खुल के ऐसे आएगा। यहाँ पे एक पॉकेट हो गई हमारी, देखिए एक पॉकेट हमारी यहाँ पे हो गई है और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे हो गई है। पॉकेट हमारी यहाँ पे हो गई है, इसको यहाँ से लॉक करेंगे और इस साइड हम फाइल को अंदर डालेंगे। देखिए ये फाइल को हम इस साइड जो हमने यहाँ पे फ्लैप दिया है, फ्लैप से फाइल को ऐसे अंदर डालते हुए और इस साइड से हम यहाँ पे इसको अंदर डाल लेंगे। इसे डालते हुए ये हमारा फाइल फोल्डर एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है। फ्लैप से हमारा ये फोल्डर इसमें सेट हो गया है। दोनों फ्लैप से जो फ्लैप दिया है, फ्लैप से हमारा दोनों फोल्डर इसमें सेट हो गया है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे और ऐसे करते हुए हम यहाँ पे जिप से इसको लॉक कर देंगे। देखिए हमारा ये फोल्डर बन के रेडी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजीली रूप में हमने आपको ये फोल्डर बनाना बताया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये फोल्डर हमारा पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।